वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सैमसंग के कौन से डिवाइसेस में One UI 5.1.1 का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट सामने निकल के आ गई है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो पसंद आती है तो यहाँ पर एक लाइक जरूर करें। वेल दोस्तों, अब बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते और यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में। तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज में आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी S23, S23 प्लस एंड S23 अल्ट्रा डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी S22, S22 प्लस और यहाँ पे S22 अल्ट्रा में मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे S21, S21 प्लस और S22, साथ ही यहाँ पर S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा, S20, S20 प्लस एंड फाइनली सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा डिवाइसेस में One UI 5.1.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सैमसंग के गैलेक्सी फोल्डेबल सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी G Fold 4 एंड Flip 4 में आप लोगों को One UI 5.1.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी G Fold 3 एंड Flip 3, सैमसंग गैलेक्सी G Fold 2 5G, सैमसंग गैलेक्सी G Flip 5G, सैमसंग गैलेक्सी G Flip LTE वर्जन, 5th जनरेशन गैलेक्सी फोल्डेबल सीरीज में आप लोगों को यहाँ पर One UI 5.1.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी टैबलेट सीरीज की। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो सैमसंग गैलेक्सी टैब एसेट में आप लोगों को One UI 5.1.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी टैब एसेट प्लस एंड टैब एसेट अल्ट्रा, सैमसंग गैलेक्सी टैब S7, टैब S7 प्लस एंड टैब S7 FE, और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 सीरीज में भी One UI 5.1.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी नोट A सीरीज एंड M सीरीज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज में One UI 5.1.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही सैमसंग गैलेक्सी A54, सैमसंग गैलेक्सी A53, सैमसंग गैलेक्सी A52, गैलेक्सी A52 5G, गैलेक्सी A52S, गैलेक्सी A73, गैलेक्सी A72, गैलेक्सी A34, गैलेक्सी A33, गैलेक्सी M54 5G एंड फाइनली सैमसंग गैलेक्सी M53 5G डिवाइसेस में One UI 5.1.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप लोगों को सैमसंग के इन सारे डिवाइसेस में One UI 5.1.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर वीडियो में बता दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो यहाँ पर एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम तीनों में फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।